हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज होली है, कल भी था होली, आज भी होली है। आज हम लोग के यहाँ बच्चे सब खाली रंग गुलेल खेल रहे हैं, उसके बाद खाना पीना जनरल बनेगा। तो उसमें से मैं आज बनाने के लिए जब गांव आई हूँ, सोची अपने हाथ से बच्चे सबको, देवर को, सास माँ को, देवरानी को कुछ अच्छा चटपटा सा बना के खिला दूँ। तो मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी का पकौड़ा बना के कोफ्ता, पत्ता गोभी का कोफ्ता बना रही हूँ। तो ये मेरा रहा प्याज, तीन प्याज को मैं पीस ली हूँ सिल्ला लोड़ी में, इससे थोड़ा सा काला भी दिख रहा है, यहाँ मिक्सी नहीं था। तो ये प्याज पर्पल लग रहा है, पर्पल कलर। हाँ, पर्पल कलर हो गया है, वो सिल्ला लोड़ी में जो पीसी हूँ उसी से हो गया है। तो ये तीन प्याज पीस के रखी हूँ, तीन टमाटर पीस ली हूँ सब सिल्ला लोड़ी में। ये रही अदरक, हरी मिर्च और लहसुन पिसा हुआ सब ले ली हूँ। ये 200 ग्राम बेसन मैं इसमें डाल रही हूँ। तो अब मैं देखिए कैसे बना रही हूँ। 200 ग्राम बेसन पूरा मैं इसको डाल लेके मिला लूँगी। नमक मैं अंदाज से जितना पकौड़ा मेरा लगेगा उतना सा मैं दे चुकी हूँ। और अब मैं दे रही हूँ हल्दी, यहाँ पे थोड़ा सा ढक्कन दी, चम्मच उम्मच का अभाव हो जाता है तो थोड़ा सा अंदाज नहीं भी मिलता, हाथ से ही देना पड़ता है। एक चम्मच अंदाज में हल्दी इसमें डाल रही हूँ, और नमक हल्दी सब बाद में फिर मैं डालूँगी इसके लिए, रस के लिए। अभी मैं सिर्फ पकौड़ा के लिए डाल रही हूँ। अब मैं इसे मिलाती हूँ। लाल मिर्च खत्म हो चुकी थी तो मैं हरी मिर्च ही लाल हो गई थी, तो अदरक और लहसुन के साथ पीस ली हूँ तीता के लिए। हल्दी को हम थोड़े से रस वाला हल्दी देखिए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, सारा पकौड़ा मैं निकाल ली हूँ। पकौड़ा देखिए ब्राउन ब्राउन हो चुका है, इसी तरीका से मैं सारा निकाल लूंगी, उसके बाद आगे का मैं प्रोसेस दिखाती हूँ। अभी पकौड़ा ही छान रही हूँ। देखिए फ्रेंड, इसमें मेरा अदरक, लाल मिर्ची था हरा पिसा हुआ, और लहसुन, प्याज, टमाटर, सारा चीज मैं इसमें जितना भी सिल्ला लोड़ी में पीसी हुई थी दिखाई थी, सारा फ्राई हो चुका। इसमें मेरा मसाला भी सब था, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मरीच पाउडर, सारा सब फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें रस डाल के एक एक करके ये पकौड़ा डालती हूँ। देखिए फ्रेंड, मेरा सारा रस उबल रहा है। अब मैं एक एक करके इसमें सारा पकौड़ा डाल रही हूँ, थोड़ा सा हिफाजत से जो चूर नहीं हो। मिठाई लेके तो नहीं चढ़ा अपना चढ़ा दी, पूजा करवा अपना। ठीक है, दादी को मिठाई खिलाना। इसीलिए दादी के पास खिलाई खिला देंगे। इसी प्रकार से सारा मैं इसमें डाल रही हूँ, डाल दूंगी, सब्जी मेरा तैयार हो जाएगा। अरे कू मोटर बंद कर देना बेटा। मम्मी कू दीदी का सब पॉइंट भिजिया पर कोटन है, हम जाएंगे तो निकालेंगे, उसका होगा पॉइंट। तुम लोग पॉइंट की जरूरत है, मेरा पॉइंट से फिर सारा दे दे। पॉइंट तो है, तो पॉइंट तो ऐसे क्या रहा। देखिए फ्रेंड, मेरा सब्जी बन के तैयार हो गया, कलर कितनी सुंदर आ गई, खुशबू भी आ गई। इसमें मैं तेजपात का भी दो पत्ता बाद में देखे, पहले नहीं देखे थे, तेजपात का भी पत्ता डाली हूँ, और उसके बाद गरम मसाला डाली हूँ। यहाँ पे तेजपात दिख रहा है जरा सा, और उबल रहा है, मेरा बन चुका है। देखिए तेजपात पत्ती दिखाई पड़ गई, सब्जी मेरी बहुत अच्छी बन गई है। इस तरह से आप लोग भी बना के खाएं, टेस्ट करें, ट्राई करें, और हमें कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और परिवार के साथ मस्ती से मज़ा से उठाएं और